हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास सिक्स का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है फ्रैक्शंस यानी भिन्न। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है बच्चों, और आपको बेसिक चीजें हम सिखा चुके हैं यहाँ पे। तो बच्चों, बेसिक चीजें क्या होती हैं? वो होती हैं कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, है ना? फ्रैक्शन होते क्या हैं, पहचानेंगे कैसे, किस फॉर्म में होते हैं और क्या क्या उसमें होता है, कैसे फ्रैक्शन हम बना सकते हैं, और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस तरह से पूछे जाएंगे, सब चीज यहाँ पर डिस्कस होंगी। तो चलिए सीधा हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको बेहतर आइडिया हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हम कर चुके हैं इसके जो बेसिक चीजें हैं। धीरे धीरे बाकी जो फ्रैक्शन के ऑपरेशन होंगे वो भी आगे हम कंटिन्यू करेंगे और आगे सीखेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, अभी तक आप क्या कर रहे थे? कुछ फिगर्स आपको दी गई थी और उनको देख के बताना था कि कौन सी भिन्न है, है ना? लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ये भी आकृति है, 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है? तो आपको यह बताना है कि एक दिन की कौन सी भिन्न है 8 घंटे। तो अब आपको उसके लिए देखना पड़ेगा कि एक दिन में, वन डे में, कितने घंटे होते हैं, आवर्स कितने होते हैं, ये आप बताएंगे कि एक दिन में टोटल घंटे कितने होते हैं। तो टोटल जो होता है वो डिनोमिनेटर में आता है और जो पूछा गया है वो न्यूमरेटर में आता है। ये भी पता होगा आपको कि एक तो होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। इसको हम हिंदी में अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। ये चीजें हैं बेसिक, ये तो आपको पता होनी चाहिए। अब अंश और हर क्या होता है भाई? जो टोटल चीजें होती हैं, जैसे एक दिन में टोटल जो घंटे होंगे वो डिनोमिनेटर में आता है। और आपसे पूछा क्या गया है कि 8 घंटे एक दिन की कौन से भिन्न है, तो जो 8 घंटे हैं वो न्यूमरेटर में आएगा। इतनी भी हिंट मैंने दी है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व करके आंसर बताएं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपने किया है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले एक दिन में एक दिन बराबर है 24 घंटे होता है। अगर ये आपको पता है तो भाई 8 घंटों की भिन्न क्या होगी? 8 घंटों की भिन्न क्या होगी? देखिए, जो डिनोमिनेटर होता है उसमें तो आता है टोटल, और जो न्यूमरेटर होता है उसमें जो पूछा गया वो अंश। अब देखिए, यहां तक तो ये आपका भिन्न हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम इसको और सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, सरल रूप में लिखते हैं, ताकि और आगे, जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, सिंपल फॉर्म क्या हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुआ, या फिर उसको सरलतम रूप भी बोलते हैं बच्चों। ये आगे डेडिकेटेडली इसके लिए क्वेश्चन भी आएगा आपका। आपको क्या करना है, जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे ये दोनों भाग होते हैं, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 एक ऐसा नंबर है जिससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों भाग हो रहे हैं। 2 चौके 8 और ये 12, है ना? फिर से आपके पास 4/12 आ गया, फिर 2 से फिर से ये भाग हो रहे हैं, है ना? तो 2/6 आ गया, और 2 से ये फिर से भाग हो रहे हैं तो 1/3 आ गया। तो अल्टीमेटली जो फ्रैक्शन है वो 1/3 होगा, है ना? 8/24
ठीक है, लेकिन उसको हमने सिंपलीफाई करके 1/3 कर दिया। अब 1/3 आगे भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक नंबर से कैंसल आउट हो रहे हो, ऐसा कोई नंबर नहीं बचा है, इस तरह कर सकते हैं। अब अगर आप डायरेक्टली करते हैं, जैसे 8 और 24 है, तो ये भी तो मुझे पता है 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 1/3 है ना, 8 का टेबल मुझे आता है, तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों आपका, नोट डाउन कर लेंगे इसको, लेकिन साथ ही साथ बिल्कुल इसी की तरह एक क्वेश्चन करेंगे आप। तो ये पूछा गया है आपसे, अब क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि भाई व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स, 40 मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है ना। क्वेश्चन यही पूछा गया है कि 40 मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है, हिंदी में ये पूछा गया है आपसे। तो आपको आंसर बताना है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा ये इससे पिछले वाला क्वेश्चन हमने किया है। नोट डाउन करेंगे, जल्दी से आंसर बताएंगे, जिसका भी आंसर आ जाएगा हाथ खड़ा कर देंगे बच्चों आप। बेटा किसी का आंसर आया है, जीआईसी अमौदी एंड जीआईसी सालदे, तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये जैसा ये थर्ड वाला किया था हमने, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक चीज पता है, सिंस 1 आवर, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, यहां मिनट की बात हो गई ना, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये मुझे पता है। अगर ये पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटे में 60 मिनट। तो अब देखिए, देयर फोर फ्रैक्शन ऑफ 40 मिनट, 40 मिनट की क्या भिन्न होगी। तो न्यूमरेटर में 40, डिनोमिनेटर में 60, क्योंकि कुल 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, तो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं किससे, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 2/3 है ना। 20 से देखिए 40 और 60 दोनों ही भाग हो रहे हैं। अगर आपको इतना बड़ा नंबर नहीं मिलता है तो छोटे नंबर से शुरुआत कीजिए। और दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान दीजिए आप, देखिए 40 है और 60 है, ठीक है। एक्सट्रीम राइट पे अगर देखेंगे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों जीरो हों, तो सीधा 10 10 से भाग कर सकते हैं ना आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि अलग से आप पहले 2 से करेंगे फिर 5 से करेंगे, सीधा 0 से 0 ऐसे काट सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 10 से भाग हो रहा है यहाँ। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो बच्चों सबने कर लिया है नोट डाउन, आगे करेंगे अब। अगला सवाल देखिए, आइडेंटिफाई द एरर
इफ एनी। तो अगर कोई गलती है तो उसको आइडेंटिफाई करो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कुछ फिगर्स यहाँ पे दी गई हैं, ये जो लाइंस लाइंस दिख रही हैं यहाँ पे, ये आपका शेडेड पार्ट है, छायांकित भाग है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, दिस इज 1/2, 1/2 है, दिस इज 1/4, दिस इज 3/4। बस ये बताना है कि ये ठीक लिखा है या गलत है, और अगर गलती है तो इनमें क्या गलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे। और सब बच्चे माइक रेडी रखिए बेटा, अगर आपको आंसर पता होगा तो एकदम से आप आंसर दे सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या आंसर आया है आपका, कोई बता सकता है इसमें? तो हाँ या ना में जवाब देना है आपको, है ना। चलिए, जीआईसी साल दे बेटा, पीछे आप हैंड रेज करने हैं, माइक लेके आप आंसर बताएंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर ये थर्ड वाला गलत है, 2/4 होना चाहिए। थर्ड वाला गलत है। ओके, आपने बोला 2/4 होना चाहिए। और बताइए बाकी ये दो पार्ट्स में। सर ये सही। ये ठीक है, ये और ये दोनों ही ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश थी, बैठ जाइए आप। कोई और बच्चा जो इसके अलावा आंसर देना चाहता हो, मतलब जिसका उत्तर इससे अलग हो, कोई ऐसा बच्चा है जिसका उत्तर इनसे अलग हो? अगर आपको आपके पास इससे अलग उत्तर है तो हाथ खड़ा करेंगे। चलिए, हमने क्वेश्चन किए थे, है ना, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन किए थे, जो पहला और दूसरा क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, वो ऐसा ही कुछ था, लेकिन उसमें बहुत फर्क था बच्चों, बहुत फर्क था। मतलब क्या था, मैंने एग्जाम्पल से भी आपको समझाने की कोशिश की थी। मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये सर्कल है, मैंने इसके दो भाग कर दिए, दो, फिर मैंने चार कर दिए इसके भाग, ठीक है। अब चार भाग कर दिए मैंने, और चार में से मैंने एक भाग को छायांकित कर दिया, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि जो छायांकित भाग है वो 1/4 है। ये उत्तर सही होगा, क्योंकि जो ये वृत्त है ये चार बराबर भागों में बांटा गया है। भिन्न के लिए, फ्रैक्शन लिखने के लिए एक चीज जरूरी है कि किसी वस्तु को अगर पार्ट्स करते हैं, उसके भाग करते हैं, तो इक्वल पार्ट होने चाहिए, ठीक है। इक्वल, ये चीज बहुत जरूरी है बच्चों, इक्वल पार्ट्स या समान भाग होने चाहिए, समान हिस्से होने चाहिए, ये चीज समझनी जरूरी है आपको। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वृत्त है, इसके चार बराबर बराबर भाग किए हैं, लेकिन वही चीज अगर मैं फर्स्ट पार्ट के लिए बात करूं, तो इस ट्रायंगल के लिए हम नहीं कह सकते
क्योंकि इसके बराबर भाग नहीं हुए हैं। दो भाग हुए जरूर हैं, लेकिन बराबर भाग नहीं हुए हैं, इसीलिए ये सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, अब दूसरा ये रेक्टेंगल है ना, एक आयत है, और इसके चार भाग कर दिए हैं आपने, चार भाग किए हैं, लेकिन आप देखेंगे तो ये छोटा पार्ट है, ये इससे थोड़ा हाँ बड़ा पार्ट है, ये पार्ट इससे थोड़ा हाँ बड़ा है, ये सबसे बड़ा है ना। चार भाग किए हैं, लेकिन चारों के साइज अलग अलग हैं, समान कोई नहीं है, तो इक्वल होने चाहिए, नहीं तो ये फ्रैक्शन नहीं हो सकते। अगर यहीं पे हम एक रेक्टेंगल बना के और उसके चार बराबर बराबर भाग कर देते, अब देखिए ये बराबर भाग हैं, इसमें से एक मैंने छायांकित कर दिया 1/4, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्वल पार्ट्स नहीं है। सिमिलरली जैसे सर्कल है, यहाँ पे आप देखिए ये वृत्त है, इसके चार भाग कर दिए हैं, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, लेकिन एरिया देखिए, एक का सबसे बड़ा है, दो का उससे छोटा है, तीन का उससे छोटा और चार का उससे भी छोटा एरिया है, तो ये बराबर पार्ट नहीं किए गए हैं, इसीलिए ये फ्रैक्शन नहीं हो सकते। बस यही समझाने के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए दर्शाया गया था। ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई इसका 2/4 उत्तर होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन कंसिडर ही नहीं होगा, जबकि इसके बराबर पार्ट नहीं है, इसीलिए नोट डाउन कर लेंगे इसको, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है आपका। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, आपको कंडीशन ऐसे दी होंगी, ये आपके बिल्कुल जैसे डेली लाइफ से क्वेश्चन आता है वैसा आप बोल सकते हैं, और आप इस क्वेश्चन को करके इसकी हेल्प से ये भी पता लगा सकते हैं कि भाई जो फ्रैक्शन है उसका इस्तेमाल कहाँ होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, क्वेश्चन पढ़िए, आर्या अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच, आर्या हैज बोट टू सैंडविचेस, वन मेड ऑफ वेजिटेबल एंड वन ऑफ जैम, द अदर टू बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच, आर्या अग्रीड टू शेयर हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन विल हैव इक्वल शेयर ऑफ सैंडविच। अब दो पार्ट इस क्वेश्चन के पूछे गए हैं, हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर, दूसरा व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। अब हिंदी में पढ़ लेंगे, आर्या अभिमन्यु और विवेक, ठीक है, तीन जन हैं, एक साथ बांटकर खाना खाते हैं। अब आर्या दो सैंडविच लेकर आता है, एक सब्जी वाला दूसरा जैम वाला, अन्य दो लड़के अपना खाना लाना भूल गए, अब सिर्फ तीनों में से एक लड़के के पास खाना है, आर्या अपने सैंडविचों को उन दोनों के साथ बांट कर खाने को तैयार हो जाता है। भाई जब शेयर करते हैं तो दो लड़के खाना नहीं लाए तो क्या हुआ, एक लाया है, उसी को तीनों में वो शेयर करने को बांटने को तैयार हो जाते हैं। अब क्या बोला गया है भाई, आर्या जब तैयार हो जाता है तो प्रत्येक सैंडविच से बराबर बराबर भाग मिले, ऐसे आपको बताना है ना, इक्वल शेयर मिलना चाहिए। अब आर्य कैसे डिवाइड करे, आर्य इसको सैंडविच को कैसे बांटे कि हर एक को बराबर बराबर हिस्सा मिल जाए, समझ गए। तो ये क्वेश्चन है, नोट डाउन करो इसको, जल्दी से सॉल्व करेंगे। देखिए ऐसा कुछ सैंडविच होता है ना, दो सैंडविच हैं, ये वेजिटेबल है और ये जैम है, तो बताइए कैसे बांटेगा। अब यहाँ पे फ्रैक्शन का काम इसलिए आ गया क्योंकि बोला गया है हर किसी को बराबर भाग मिले, तो इक्वल पार्ट्स में हम बांटेंगे इनको, तो कोशिश कीजिए और मुझे बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। देखिए बच्चों यहाँ पे कैसे आप कर सकते हैं, जो ये सैंडविच है, ठीक
वेजिटेबल सैंडविच है, आर्या क्या करेगा, इस वेजिटेबल सैंडविच के तीन बराबर हिस्से कर देगा पहले तो, ठीक है, तीन बराबर हिस्से हो गए, 1 2 3, तीनों बराबर बराबर हिस्से हुए हैं। अब वो प्रत्येक एक एक हिस्सा खा लेंगे, तीन लड़के हैं, आर्य, अभिमन्यु और विवेक, तो एक हिस्सा आर्य खाएगा वेजिटेबल सैंडविच का, एक अभिमन्यु, एक विवेक, तीनों को बराबर बराबर हिस्से मिल गए। सेम चीज जैम वाली सैंडविच के साथ करेंगे वो, है ना, 1 2 3, एक आर्य खाएगा, एक अभिमन्यु, एक विवेक, तो इस तरह से वो बांट सकता है। यही बोला गया है, हाउ कैन आर्य डिवाइड हिज सैंडविच, कि हर एक पर्सन को इक्वल शेयर मिले, तो वो वेजिटेबल सैंडविच में से तीन हिस्से करेगा और जैम सैंडविच के तीन हिस्से करेगा बराबर बराबर, और भाई सबको दे देगा वो। अब दूसरा पार्ट है, व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, सैंडविच का कितना हिस्सा हर एक बच्चे को मिलेगा। अगर मैं वेजिटेबल सैंडविच की बात करूं तो इसके कुल तीन भाग हुए हैं, वो भी बराबर बराबर, और तीन लड़के हैं इसीलिए एक लड़के को सिर्फ एक पार्ट मिलेगा। सेम जैम सैंडविच के लिए है, तीन इसके टोटल हिस्से किए गए हैं जिसमें से एक व्यक्ति को, एक लड़के को सिर्फ एक ही हिस्सा मिलेगा, तो 1/3 वो फ्रैक्शन है जिसमें एक पर्सन को, एक बॉय को सैंडविच मिलेगा। नोट डाउन इसको कर लेंगे बच्चों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन एक आपका वही डेली लाइफ से एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए था, कि इस तरह आप इसका यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शन का इस तरह से आपकी डेली लाइफ में यूज होता है, ये ध्यान पूर्वक इसको आप समझेंगे, नोट डाउन करेंगे। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।